हेलो किड्स, आई एम सना अहमद एंड आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, बट नाउ देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज वी विल मीट एवरी डे थ्रू वीडियोज एंड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दीज हॉलीडेज। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिजिक्स एंड इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट मैटर। सो किड्स, here is chapter 1, matter. So in this chapter we are going to learn about matter, its meaning and composition. States of matter, that is solids, liquids and gases, their characteristics of solids, liquids and gases, and their shapes, texture and volume. Distinguishing properties of solids, liquids and gases. Before I start the chapter, here is an introduction about the chapter. A botanist R. Brown observed irregular motions of very fine particles which came out of pollens floated on water. He put pollens on water where they absorbed sufficient water to be burst into very fine particles. He observed the irregular zigzag motions of these particles using a microscope. He reported that such fine particles come not only out of pollens but also from other substances, and they show similar irregular motion. एक botanist R. Brown ने पॉलेंस के इरेगुलर मोशंस को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जो पॉलेंस होते हैं जब आप उन्हें वाटर पे पुट करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो कुछ टाइम के बाद जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनमें से कुछ फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस पॉलन को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो फाइन पार्टिकल्स बर्स्ट कर रहे थे पॉलन से, वो जिगजैग मोशन में मूव होते हैं। उन्होंने उसे ऑब्ज़र्व किया। फिर उन्होंने ये कहा कि सिर्फ पॉलन्स ही नहीं हैं जिनके फाइन पार्टिकल्स बाहर आते हैं, इसके अलावा भी ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस हैं जिसके ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं और वो इरेगुलर मोशन शो कर। दीज इरेगुलर मोशंस आर कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इट इज़ थॉट टू बी अ रादर यूनिवर्सल मोशन सीन नॉट ओनली इन लिक्विड्स लाइक वाटर बट ऑल्सो फॉर अ पार्टिकल ऑफ सूट इन एयर। इट अपीयर्स टू अकर बिकॉज द फाइन पार्टिकल्स वॉलेंटली कोलाइड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस और द लिक्विड मूविंग रैंडमली at high speed. This shows that there is motion in liquid and gas molecule. हम इसी zigzag motion को, मतलब इसी irregular motion को Brownian motion कहते हैं, ठीक है। ये जो irregular motion है, ठीक है, ये universal motion है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ liquids जैसे कि water, सिर्फ उसमें ही हम इस Brownian motion को देखते हैं। ये वाटर में तो अवेलेबल होता ही है, इसके अलावा ये एयर में भी देखा जाता है। वो कैसे और वो क्यों, वो इसलिए कि जब जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जब वो मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल से जब वो कोलाइड करते हैं, मतलब जब वो टकराते हैं, तो वो क्या होता है, वो रैंडमली हाई स्पीड पे इधर उधर जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम क्या देखते हैं, लिक्विड में और गैसेस के मॉलिक्यूल्स में मोशन, और इसी वजह से लिक्विड और गैस मूव होते हमें दिखती है। मैटर इज़ ऑल अराउंड अस। मैटर इज़ द एयर यू आर ब्रीथिंग। मैटर इज़ द बुक यू आर रीडिंग फ्रॉम नाउ। मैटर इज़ द स्टफ यू टच एंड सी एंड इट इज़ मोर। Matter is defined as anything that has mass and takes up space. Matter is found in three major states, that is solid, liquid and gas. So, what is matter made up of? All matter is made of atoms
एंड एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर. दे आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी देम विद योर आईज और इवन विद अ स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप. सो इस चैप्टर में हम मैटर के अबाउट पढ़ने वाले हैं. तो जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, जो भी हर एक चीज़ एवरीथिंग यू सी अराउंड यू लाइक बुक्स एट योर होम, यू कैन टेक द एग्जाम्पल्स योर रूम वॉल फ्रिज अलमीरा ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, हर एक चीज़ जो क्या जो जिसका एक मास हो ठीक है और स्पेस लेती हो ठीक है वो मैटर है. ठीक है, यहाँ तक कि जो आप सांस ले रहे हैं, हवा जो एयर ऑक्सीजन जो आप ब्रीथ इन कर रहे हैं वो भी मैटर है, क्योंकि एयर ऑल्सो टेक्स अप स्पेस. ओके ओके, सो हम मैटर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे दैट इज़ मैटर. ओके, एंड नाउ मैटर इज़ फाउंड इन थ्री मेजर स्टेट्स. ओके, आई थिंक यू ऑल नो दिस. फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस. सो किड्स, अब जो क्वेश्चन होता है वो ये है कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. ठीक है, तो मैटर एटम से मिलके बने होते हैं. एटम छोटे छोटे एटम से मिलकर के मैटर क्रिएट होता है. जैसे आपकी वॉल है, जो आपका घर है उसकी वॉल्स से आपका घर बना हुआ है. जो एक वॉल है वही छोटे छोटे ब्रिक्स को जोड़ के एक प्रॉपर वॉल तैयार होती है, राइट, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, एटम इज लाइक अ ब्रिक. ओके, तो ढेर सारे एटम्स को जब कनेक्ट किया जाता है वो छोटे छोटे एटम मिल करके मैटर क्रिएट करते हैं. ठीक है, मैटर उसी से बनता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटम होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं मैटर के. ठीक है, और ये जो एटम्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि ना तो हम उन्हें अपनी आँखों से देख सकते हैं और ना ही उनको हम किसी माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देख सकते हैं. ओके किड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज दैट विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी सी अराउंड अस इज मैटर. फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वर टू थॉट्स अबाउट मैटर. Some believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? Let us dissolve some salt in a beaker and which is half full and see what happens. What happens? We find that there is no increase in the level of water in beaker. Where has the salt gone? The salt particles have occupied the space between the water particles. Thus, matter is not continuous. Figure illustrates this fact. Matter is composed of elements. So, kids, अभी हमने ये पढ़ा इस पैराग्राफ में कि matter जो भी हमने इंट्रो में पढ़ा था कि जो भी चीज़ ठीक है जिसका वेट हो और अपने लिए वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो ठीक है तो वो हर एक चीज़ मैटर है. ठीक है, और हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं आइदर इट इज़ इन सॉलिड लिक्विड और गैस, ये सब के सब क्या हैं? मैटर. ठीक है, तो सो किड्स मैटर के बारे में काफ़ी टाइम से दो तरीके के थॉट्स रखे जाते रहे हैं. ठीक है, पहला कि ये कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है, जैसे कि कंटिन्यूस जस्ट लाइक ब्लॉक ऑफ वुड. ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मैटर जो है वो एक छोटे पार्टिकल्स की तरह है, जस्ट लाइक सैंड देखा है ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. वही ब्लॉक ऑफ वुड क्या है, एक बड़ा पीस होता है. ठीक है, तो इसमें से मैटर क्या है? ठीक है, तो चलिए इसको जानने के लिए कि मैटर कंटिन्यूस है कि पार्टिक्यूलेट है, उसका नेचर क्या है मैटर का, ये जानने के लिए हम एक एक्टिविटी फॉर्म करेंगे. सो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बीकर लेना है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देना है. ठीक है, जो बीकर में हम वाटर लेंगे वो हाफ रहेगा. ठीक है, हाफ फुल रहेगा. तो आप क्या देखेंगे कि जो वाटर का लेवल है बीकर में वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होगा.
ठीक है। तो अब क्योंकि सॉल्ट भी मैटर है, वो भी अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसमें जाके वो कंबाइन हो जाएंगे, और इस वजह से जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने ये क्या जाना कि ये जाना कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हैं, हे इज़ अ फिगर, यू कैन सी एलिमेंट। एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इन टू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज बाई एनी केमिकल मीन्स। द एलिमेंट इन टर्न इज कम्पोज ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। अ सब्सटेंस ऑफ मैटर कैन बी मेड फ्रॉम सेम काइंड ऑफ एलिमेंट और टू और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स कम्बाइंड टुगेदर। इफ मैटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट देन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। तो अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम और सिंपलर फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी तरीके से इसको और सिंपल फॉर्म में नहीं ले जा सकते। एलिमेंट्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स और एटम से ही कंपोज होते हैं, उससे भरे होते हैं। ठीक है, और जो मैटर होते हैं उसमें एलिमेंट्स मैटर या तो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बने हुए हैं, या तो दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई मैटर सिर्फ एक काइंड के एलिमेंट से बना है तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा? एटम होगा। ठीक, नाउ व्हाट इज एटम? एन एटम इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ सोडियम। इफ मैटर इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स देन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। सो एटम्स क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि एटम जो होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, और ये हमेशा केमिकल रिएक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें हम एटम ऑफ सोडियम। ठीक है, तो अगर कोई मैटर दो या दो से ज़्यादा अलग एलिमेंट से मिलके बना होता है तो तब उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम नहीं होती, तब उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो मॉलिक्यूल्स हो जाती है। ठीक है, नाउ मॉलिक्यूल्स। अ मॉलिक्यूल इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच हैज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन रिटेन कंप्लीट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इवन वेन टू और मोर एटम्स ऑफ सेम काइंड कंबाइन दे कैन फॉर्म अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है, छोटे यूनिट होते हैं और ये अपने एग्जिस्टेंस दिखाते हैं फिजिकली भी और केमिकली भी। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ दोनों होती हैं। जैसे एग्जांपल है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं। द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉलिड्स। वॉट आर सॉलिड्स? मैटर दैट इज कम्पोज ऑफ एटम्स पैक्ड टाइटली टुगेदर आर नोन एज सॉलिड्स। यू कैन नॉट वॉक थ्रू अ सॉलिड वॉल। द मैटर इज पैक्ड सो टाइटली दैट इज प्रिवेंट यू फ्रॉम मूविंग थ्रू इट। सॉलिड्स होल्ड देयर शेप एट रूम टेम्परेचर। द पेंसिल दैट यू लेफ्ट in the desk at school will still be same shape when you return tomorrow. Even in solids there is a small space between the atoms. Depending on how tight the atoms are packed determines the density of matter. This means that one
inch block of wood is not as dense as a 1-inch block of gold. There is more space between the atoms of the wood than the atoms of gold. Let us see further by considering the following articles: a pen, a book, a needle, and a piece of wooden stick. So kids, matter 3 alag alag states mein exist karta hai. First is solid, second is liquid, and third one is gases. Let's start with solids. Solids kya hote hain? Solids ek aisa matter जिसके सारे एटम फुली टाइटली प्रॉपरली पैक्ड होते हैं, उन्हें हम सॉलिड कहते हैं. जो सॉलिड्स होते हैं वो अपना एक प्रॉपर शेप हमेशा मेंटेन किए हुए होते हैं जब तक उन्हें अलग से टेम्परेचर ना दिया जाए. ठीक, लाइक जैसे कि आपने स्कूल में अपनी पेंसिल छोड़ के आए होंगे, अगर तो अगर आप अगले दिन जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आपकी पेंसिल वैसे ही शेप की, उतनी ही साइज़ की आपको वापस मिलेगी. इट मीन्स द पेंसिल इज़ सॉलिड. तो कहने का मतलब क्या है, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं. ऐसा नहीं है कि उनके बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, स्पेस होता है, लेकिन बहुत ही उनके एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है. कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स के, पेन, बुक, या अपने आसपास ही आप कई सॉलिड चीज़ों को देख सकते हैं. ऑल द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape. So they are rigid. So kids, जो अभी example पढ़े उससे हमने क्या जाना कि जो solids होते हैं उनका shape, size बिल्कुल fix होता है और उनकी volume भी बिल्कुल fix होता है. ठीक है, और उनकी compressibility जो है वो बहुत ही ना के बराबर है. ठीक है, जैसे कि आपने सपोज करी बुक, एक पेंसिल ली, ठीक है, अब उसको कंप्रेस करने की कोशिश करिए, क्या आप पेंसिल को कंप्रेस कर पाएंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है, उसके एटम प्रॉपरली पैक्ड, और इसी वजह से सॉलिड्स को रिजिड कहा जाता है. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग. व्हेन, व्हाट अबाउट शुगर? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स इट टेक द शेप ऑफ जार, इज इट अ सॉलिड? हमने अक्सर देखा है कि शुगर जो है जब हम जार में रखते हैं तो क्या होता है, वो उस जार का शेप ले लेता है. तो क्या शुगर सॉलिड है या लिक्विड? आप लोग ये सोच के बताइएगा. व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इट इज़ अ सॉलिड, येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट. व्हाई? स्पॉन्ज आप जानते हैं ना, स्पॉन्ज, यस दैट अ स्पॉन्ज, वो भी तो सॉलिड ही दिखता है ना, लेकिन जब हम उसे कंप्रेस करते तो हम बहुत ही ईजिली उसको कंप्रेस कर सकते हैं. तो ऐसे में क्यों? क्योंकि तो सॉलिड, फिर उसको कंप्रेस क्यों कर सकते हैं? What about a rubber band? It changes its shape or on stretching. Is it a solid? जैसे कि rubber band हो गया, उससे हम जब stretch करते हैं तो उसका shape बदल जाता है. तो क्या ये solid है? Now, all the above are solids as the shape of each individual sugar crystal remain fixed. Whether we take it in our hand, put it in a jar, plate or in a jar. जैसे कि आपने, मैंने भी क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि सॉलिड जो शुगर होते हैं उनको जिस जार में रखते हैं वो उस जार का शेप ले लेता है ना, तो क्या ये लिक्विड है या सॉलिड? तो बेटा, शुगर के हर एक क्रिस्टल को आप देखेंगे तो उसका फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है. ठीक है, तो दैट इज़ वाई वो सॉलिड है, लिक्विड नहीं. स्पॉन्ज जो होते हैं, अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड. व्हेन कंप्रेस इट द एयर इज expelled out and we are able to compress it. अब जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके बीच में बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू उनके अंदर हवा ट्रैप हो जाती है. ठीक है, और जब हम उन्हें प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हवा बाहर की तरफ निकलती है और इसी वजह से हम उसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं. इसके अलावा स्पॉन्ज, व्हाट इज स्पॉन्ज? स्पॉन्ज इज इन सॉलिड स्टेट. अब रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द शेप when the force is removed. If excessive force applied, it breaks, है ना.
जिस तरह रबर मैन में भी यही होता है, लेकिन ये तीनों ही एग्जाम्पल सॉलिड्स के हैं, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट इट. नाउ सेकेंड वन इज लिक्विड्स. लिक्विड्स डू नॉट होल्ड देयर शेप एट रूम टेम्परेचर. देयर इज अ स्पेस बिटवीन द एटम्स ऑफ अ लिक्विड एंड दे मूव स्लाइटली ऑल ऑफ द टाइम. दिस अलाउज यू टू स्टिक योर हैंड्स fingers into water and pull it back out, letting the water fill back in where your finger once was. But when walking through the water in the swimming pool, you have to push the water out of the way. This means that you feel the heaviness of the water. Liquids flow or pour and can take on the shape of a container. If the liquid is poured in a wider or narrower container, the liquid will take on that new shape. Liquids are affected by gravity. If you pour only half a cup of milk, the top half of the container would have no milk. Liquids cannot be handed to another person well without the container. Imagine going into a restaurant and asking for lemonade. What if the waiter just puts the lemonade into your hands? No glass or cup. Could you lay the lemonade on the table to drink in a few minutes? Even water is in a river or a lake has a container. The banks, the bottom, the shore, they form the container. Now kids, what is liquid? Liquid जो होते हैं उनका कोई शेप नहीं होता, उनका खुद का कोई शेप नहीं होता. उन्हें जिस भी कंटेनर में इंटर कराया जाता है वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं. कभी आपने देखा होगा जब आप वाटर को छूते हैं, बाल्टी में होता है, कहीं भी होता है, तो आपको उसका वेट बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन उसका वेट वॉल्यूम होता है. सपोज़ करिए अगर आप रिवर में स्विमिंग के लिए जाएं या फिर स्विमिंग पूल में स्विमिंग के लिए जाएं, तो आप क्या महसूस करते हैं? वाटर की हैवीनेस को फील करते हैं ना? यस. तो वाटर जो होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, उनकी भी हैवीनेस होती है और उनका वेट होता है, उनके वॉल्यूम होता है, बट दे डोंट हैव डेफिनेट शेप. लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में रखा जाएगा, आइदर इट इज़ वाइडर और नैरोवर, वो उस कंटेनर का शेप ले लेंगे. अगर आप एक कप से दूसरे कप में कुछ भी पोर, कोई भी लिक्विड पोर करेंगे, तो आप क्या देखेंगे? दूसरा कंटेनर तो फुल हो जाएगा उस लिक्विड से, लेकिन दूसरा जो जिस कंटेनर से आप पोर कर रहे थे वो एम्प्टी हो जाएगा, और जिस कंटेनर में आप उस लिक्विड को पोर करेंगे वो उसका शेप ले लेगा. लिक्विड्स जो हैं, जैसे सॉलिड था, उनको हम हैंड ओवर कर सकते थे अपना हैंड का यूज़ करके, ठीक है, उनको छू सकते थे, ठीक है, लिक्विड्स को भी छू सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स को बिना कंटेनर के हम किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते. सपोज़ करिएगा आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर आप वहाँ पर लेमोनेड के लिए बोलते हैं और लेमोनेड अगर आपके हाथ में दिया जाए, अगर आपके पास कप या ग्लास ना हो, तो क्या आप उस लेमोनेड को पकड़ पाएंगे? क्या उस लेमोनेड का जो टेबल पे उसे टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिक्विड्स को एक कंटेनर चाहिए टिकने के लिए. जैसे कि आप देखते हैं रिवर्स में वाटर होता है ना, सी में वाटर अवेलेबल है एज अ लिक्विड, तो क्या होता है, जो सी है, जो रिवर है, वो एज अ कंटेनर वर्क करता है और उसके अंदर लिक्विड के तौर पर वाटर फिल्ड होता है. सो हमने ये जाना, लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द container it is poured. Now kids, gases. Gas particles have a great deal of space between them and have high kinetic energy. If unconfined, the particles of gas will spread out indefinitely. If confined, the gas will expand to fill its container. When a gas is put under pressure by reducing the volume of the container, the space between particles is reduced and the pressure exerted by their collision increases. If the volume of the container is held constant but the temperature of the gas increases, then the pressure will also increase. Gas particles have enough kinetic energy to overcome intermolecular forces that hold solids and liquids together. Thus, a gas has no definite volume and no definite shape. अब जो gases होते हैं, gases के particles liquid और solids के particles के comparison में बहुत ही loose होते हैं, ठीक है, इतने loose के इसी वजह से gas हमें उड़ती हुई दिखती है ना. आपने देखा है ना, gas सरफेस पर नहीं होती है. जब कभी गैसेस को एक कम वॉल्यूम के कंटेनर में रखा जाता है,
तो क्या होता है उसके पार्टिकल्स, क्योंकि कम उसको वॉल्यूम मिल रहा है, कम एरिया स्पेस मिल रहा है, तो ऐसे में और तेज़ी से आपस में कोलाइड करने लगते हैं और ज़्यादा उनके बीच का कोलाइजन और इंक्रीज हो जाता है। और अगर अगर वॉल्यूम जो कंटेनर का है वैसे ही रखते हैं और उसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, तब क्या होगा, उसका प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है। गैस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और इसी वजह से गैस का ना तो कोई डेफिनेट शेप है, ना तो साइज़ है और ना ही वॉल्यूम है। इन द गैशियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाई अ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैसियस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से उनके बीच का जो कोलाइजन है वो बहुत ही हाई स्पीड पे होता रहता है और वो रैंडमली एक दूसरे रैंडम मोशन में एक दूसरे को हिट करते रहते हैं, ठीक है, जब वो किसी कंटेनर में होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जब किसी गैस को एक कंटेनर में रखा जाता है तो उनका प्रेशर और भी इंक्रीज हो जाता है। Now kids, we will read about the characteristics of solids, liquids and gases. Each state of matter possesses characteristics of its own. There are as discussed below. First is solids. All solids show the following characteristics. First, solids are rigid and incompressible. Second is, solids have fixed shape and definite volume. Third one is, solids have their melting and boiling points above room temperature. So kids, matter के हर एक state में एक अपना ही characteristic hold करती है, ठीक है, तो अब हम इस उनके characteristics के बारे में पढ़ेंगे। तो first is solid के बारे में हम पढ़ेंगे। तो solid क्या, अभी तक हमने क्या समझा कि solid क्या होते हैं, वो rigid होते हैं, मतलब hard जो उनका shape होता है वो वैसे ही रहता है। They are incompressible, उनको हम उन्हें हम compress नहीं कर सकते। सॉलिड के फिक्स शेप होता है और उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर के अबव ही होता है। नाउ किड्स, लिक्विड्स। ऑल लिक्विड्स शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बट लेस इनकम्प्रेसिबल देन सॉलिड्स। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। Liquids flow from higher to lower level. Liquids have their melting points below room temperature and boiling points above room temperature under normal condition. So kids, liquids. Liquids में क्या characteristics होती हैं? Liquids भी incompressible है, मतलब उन्हें भी compress नहीं किया जा सकता, लेकिन solid के comparison में उन्हें हम compress कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन कर सकते हैं। Liquids का कोई शेप तो नहीं है लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, उनके अंदर फ्लूडिटी होती है, ठीक है, और वो फ्लो कैसे करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन या फिर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वो फ्लो करते हैं। नाउ गैसेस। ऑल गैसेस शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। Gases are highly compressible, that is gases can be compressed easily by applying pressure. Gases have no fixed volume and shape. Gases fill the container of any size and shape completely. Gases can diffuse into each other rapidly. Gases have their melting and boiling points both below room temperature. Now kids, जो gases होते हैं वो बहुत ही highly compressible होते हैं। मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि उनके बीच के जो molecules के बीच का space जो है, जिसे हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, वो ज़्यादा है, इसी वजह से वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। गैसेस का ना तो फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। गैसेस भी लिक्विड की तरह ही जिस कंटेनर में जाते हैं उसी कंटेनर का शेप लेते हैं। गैसेस जो हैं वो दूसरी गैसेस में बहुत ही जल्द डिफ्यूज होते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। गैसेस का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर के बिलो है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स।
solid molecules are tightly packed to each other and they are also packed close together. The molecules in a solid have a greater attraction to each other than do those in liquid or a gas. Solids have different shape, size, hardness, texture and color. All of these properties are used to describe the solids. Solids have a certain boiling point, melting point and density. Most of the physical properties of solids are easy to identify and describe. These properties are used to identify the solid. So kids, abhi hum padhenge properties of solids, liquids and gases. First, solid. तो बेटा अभी तक हम ये समझ गए होंगे आप कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना. और जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस. वो क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच का फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. सॉलिड्स का शेप, साइज, हार्डनेस, टेक्सचर और कलर डेफिनेट होता है और ये सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम सॉलिड को पहचान सकते हैं और उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं. सॉलिड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और डेंसिटी भी होती है. Now liquids. The properties of liquids are easy to observe and describe. The attractive and repulsive force between the particles in a liquid is comparatively less than solids. These forces are inversely related to the distance between the particles. In liquids, the particles are very close to one another and the intermolecular attraction in a liquid are strong enough to affect its physical properties. Liquid particles are touchingly close to one another. Since the strong force between liquid particles hold them together, the volume of liquid is constant. The given number of liquid particles will occupy a much smaller volume than the same number of particles as others. At the boiling point of liquid particles, the force of attraction that hold the particles is overcome and liquid particles start transferring to gaseous particle. But if the stick togetherness is high, then it takes more motion to separate the particles within the liquid where boiling occurs. The flow of liquid depends on the viscosity of liquid. For example, water flows more easily than syrup and syrup flows more readily than honey. So kids, liquids ki bhi apni kuch properties hoti hain. लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो सॉल्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है और इसी वजह से क्या होता है, लिक्विड हमें फ्लो करते हुए मिलते हैं, उनका कोई प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं होता है. आपने देखा है जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, दीज आर लिक्विड्स और ये सभी फ्लो करते हैं. हर एक लिक्विड का जो फ्लो है वो अलग होता है, ठीक है. जैसे कि वाटर ले लीजिए, वाटर एक सिरप से बहुत ही आसानी से फ्लो कर सकता है, ठीक है. वहीं सिरप जो है वो हनी से अच्छे तरीके से फ्लो कर सकता है. क्यों? क्योंकि उनकी थिकनेस है ना, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं. वाटर की विस्कोसिटी इन द कंपैरिजन ऑफ सिरप कम है, इसी वजह से क्या है, वो और ईजिली फ्लो कर सकता है. नाउ गैसेस. Gases have different set of properties that is totally different from solids and liquids. Gases do not have different shapes. The force of attraction between molecules is very negligible in the case of gases or as compared to solids and liquids. The distance between the molecules is much larger as compared to the atomic distance in solids and liquids. Molecules of gases move in straight lines and undergo random collisions with other molecules and occupy the complete space available in the container, unlike solids and liquids. Gases have high compressibility. The volume of given mass can be easily compressed by increasing the pressure. Unlike solids and liquids, gases exert pressure in all directions. The exerted pressure is equal and uniform to the walls of the container. Gases possess low density. The intermolecular distance between the molecules of gases is very large. Hence, the number of molecules of the gases is much lower compared to the solids and liquids.
द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज इज़ वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ द इंटर मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज लार्ज सो गैसेज डिफ्यूज रिडली. सो किस गैसेज के बारे में अब हम पढ़ेंगे. गैसेज की जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही अलग होती है. गैसेज की जो गैसेज की ना तो डेफिनेट शेप होते हैं, ना ही वॉल्यूम, ना ही साइज होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और इसी वजह से उनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही कम होता है, और उस फोर्स के कम होने की वजह से उनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से ना तो उनका कोई शेप है और ना ही कोई वॉल्यूम है, और इसी वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी तेज़ी से टकराते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है उनके मॉलिक्यूल्स की वजह से, और इस मॉलिक्यूल के दूर होने की वजह से मतलब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से गैसेस क्या होते हैं वो बहुत ही जल्दी ही डिफ्यूज़ हो जाते हैं. सो किड्स, हियर इज़ अ टेबल ब्रिंग्स आउट द कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस. योर होमवर्क इज़ दैट यू हैव टू रीड दिस table thoroughly and very carefully, and one more is thing is this that you have to read the chapter thoroughly with the help of this video. So kids, here is a recap or difference between solids, liquid and gases. You have to read these 11 points thoroughly. So kids, thank you for watching this video. I hope this video will help you. So stay home, stay safe and study hard.